देख सकते हो ये है लॉन्ग जंप। अभी हमने हाई जंप किया था, अभी लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप के अंदर क्या ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं कि एक जो नॉर्मल आदमी होता है उसकी हाइट का डबल, जैसे मेरी 5 फीट 7 इंच हाइट है, तो इसका जस्ट डबल मैं लॉन्ग जंप आराम से इजी वे में एक आदमी कर सकता है, बिल्कुल 100% कर सकता है। तो वो कर सकता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, सब लॉन्ग जंप कर सकते हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर एक, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही महत्वाकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है, वो सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, और इसी अंधाधुंध के अंदर धवाधव कूद काद करके अपने घुटने घाटने सब ढीले ढाले कर देते हैं और फिर उन्हें डर लगने लगता है। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ उसकी बारीकियाँ समझनी है और आपको जंप कम करना है, कम से कम जंप करना है, और इसकी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना के डाले हुए हैं जिससे आपका जंप इम्प्रूव कैसे है, जंप को किस तरह से करते हैं, ये ऑलरेडी सारे डाले हुए हैं। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने इस जंप की, तो सबसे पहले तो हम जंप देखेंगे और फिर जंप में क्या गलतियाँ होंगी। ओके, जो दिल्ली पुलिस के बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत ही शानदार इन्होंने जंप किया है। और मैं भी जंप करके दिखा देता हूँ। ओके, तैयार हो? ये जंप है, आपको जंप के अंदर गिरना पड़ना कुछ नहीं है, इजी वे में बहुत ही इजी आराम से जंप करना है। और लैंड आपको, लैंडिंग आपको पंजों पे करना है। जब आप पंजों पे लैंड करते हो तो इजी वे में हम तकरीबन शायद 13 फीट के आसपास हमने जंप किया है, ये तीनों ने, तो बहुत है ये जंप, कम नहीं है ये। अगर इसी में 1-2 फीट और आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो इजी वे में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो रनवे है, इस रनवे के अंदर बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आना दौड़ के, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूर से दौड़ के आओगे आप थक जाओगे, आपकी स्पीड है वो वहाँ तो बहुत तेज होगी लेकिन आगे कम हो जाएगी, और जब आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो आप जंप भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो आपको रनवे पे कम से कम 20 मीटर बहुत है, 20 मीटर से दौड़ लो। अभी आपने देखा इन दोनों ने दूर की रनिंग की थी, मैंने नज़दीक से, फिर भी हम बराबर की, क्यों? क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो स्टेप के साथ दौड़ा वो स्पीड मेरी थी 30 किलोमीटर से आ गया। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको एक तो दूर से नहीं आना है, अपने स्टेमिना और अपनी पावर के अकॉर्डिंग रनवे पे दौड़ना है। इसके अलावा आपको जब वहाँ से आ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि रनवे पे जब आपकी आधी स्पीड यहाँ तक, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला एरिया है उसके अंदर आपकी और ज़्यादा तेज स्पीड होनी चाहिए। स्पीड के साथ ही आपकी कोशिश करनी है कि आपको यहाँ से थोड़ा हाइट लेना, यहाँ से जितनी ज़्यादा हाइट लोगे उतना ही आगे जाओगे, और ज़्यादा जंप नहीं करना, एक या दो ही जंप करने हैं, तीन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको जंप नहीं करना है। हर रोज़ जंप नहीं करना है, रोजाना जंप नहीं करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन जंप करना है। तो ये थी कुछ टिप्स, और भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कॉल कर सकते हो। साथ ही हमारे यहाँ पर दिल्ली पुलिस CPOSI, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का बैच स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम समय में, गारंटेड आपका फिजिकल होगा, इसकी गारंटी है मेरी कि आप सक्सेस होगे, तो आप दिल खोल के बिंदास तुरंत चले आए। साथ ही हमारे यहाँ बता दूँ आपको कि हमारे यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी है, और नाम मात्र की फीस में सिर्फ मात्र 1000 रुपये के अंदर हम तैयारी कराते हैं, जिसमें आपके सारे इवेंट्स क्लियर करवाएंगे। आपके दो आपने देख ही चुके हैं, 100 मीटर 1600 मीटर का ये ग्राउंड है।